मंगलवार दोपहर अचानक बारिश होने के साथ ही भारी पैमाने पर ओले गिरने से किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें कपास, गेहूं, चना समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान होने से किसानों के बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। जहां के खेतों में खड़े फसल की निकासी की जानी बाकी थी, किसी में कपास तो बोल की कटाई अभी सुनी थी कि अचानक आज दोपहर को भारी बारिश होने के साथ ही ओले गिरने से इन खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें किसानों का लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा किसानों की ओर से बताया जा रहा है। हालांकि अभी चने की बुवाई हुई थी और चना जमीन के ऊपर दाने आते ही ओले गिरने से चलकर फसल बुरी तरह बर्बाद हुई, जिसमें किसानों को आर्थिक नुकसान भारी पैमाने पर हुआ। बारिश से जाता पानी के बरसात का पानी जमा होने से अनेक घरों में पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। किसानों को खेत में खड़ी फसलों को हुए नुकसान से किसान बड़ी चिंता में दिखाई दिया। जहां मिर्ची चना होने का अनुमान था, वहां पर आज इस बरसात में और ओले गिरने से इस फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से किसान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस आपदा में सरकार ने तत्काल मदद नहीं की तो किसान आने वाले दिनों में खेती कैसे करे, परिवार का पालन पोषण कैसे करे, यह चिंता में दिखाई दे रहा है। इसलिए शासन में बैठे अधिकारियों ने, तहसीलदार पटवारी ने तत्काल नुकसानग्रस्त किसानों के खेतों में जाकर हुए नुकसान का जायजा लेकर तत्काल मदद करने के लिए शासन के अधिकारियों ने कदम उठाना जल्दी है, इस तरह की मांग किसान कर रहे हैं। ओले गिरने से चने की खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, वही खेतों में गेहूं कपास पूरी तरह इस बरसात के पानी में इस तूफान में नष्ट होने से किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा है। इसलिए सरकार की ओर से नुकसानग्रस्त किसानों का सर्वेक्षण कर उन्हें आर्थिक सहायता देना जरूरी है, इस तरह की मांग इलाके के किसानों की ओर से की जा रही है। आजच्या ज्या पावसामुळे जास्तीत जास्त कष्टकाराचं इटगाव, करंबाड, पारसुनी, दहेगाव जोशी, पारडी असं खंडाळा ह्या सर्कलमधलं जे बी कष्टकार सर्वेचा हरभरा, गहू, चना, सोयाबीन आणि मिरची, कापूस म्हणजे सर्वच फसलाचे झाले 90% म्हणजे जे उदरनिर्वाह जो होता कष्टकाराचा याच्यावर अवलंबून तो आज म्हणजे जे फसल येणारी कष्टकाराचे 90% समजा नुकसान झालेलं आहे। 4 एकरात पराठी होती, 2 एकरात मिरची होती, तोडा आला होता, 50 क्विंटलचं नुकसान कशामुळे गारपिटीमुळे। आता काय तुमची अपेक्षा आहे? भरपाई नुकसान आम्हाला, आमच्या शेतकऱ्याचं खूप पारशी तहसीलमधून नुकसान झालं आणि खंडाळा, करंबाड, इटगाव, दिगलवाडी आणि करंबाड असे आमच्या शेतकऱ्या नुकसान झालं। मिरचीला मिरची नाही, तुरीला शेंग नाही आणि पराठीला कपाशीला बोंड नाही राहिलं आणि तुरीला शेंग नाही राहिली, गहू झोपून गेले, काही नाही राहिलं, सप्पत धुवून टाकले गारा पावसामुळे। या गारपीट अशी झाली का समोर नाही, किलो 2-2 किलो एका ठिकाणी गारा समोर नाही, बैलाला मारा लागले, बैलाचे गाठी आल्या त्या पावसामुळे गारपिटीमुळे। आज दुपारी 2 वाजता करंबाड गावात गारपिटीमुळे भयंकर नुकसान झालं। तुरी, चना, सोयाबीन ते नाही, मिरची, गेहू यांचं गारपिटीमुळे बहुत नुकसान झालं। दोन वाजता अशी गार पडली का हितभर टोंगराभर इथली गार आत्ता बी गारपिटीच्या नंतर संगरू नाही सावटाले आणि पुरा ह्या भागातलं नुकसान झालं। आज दुपारी 2:30 दरम्यान पारशिवनी तालुक्यामध्ये गारपीट झालेली आहे। या अनुषंगाने आम्ही तालुक्यातील ज्या ठिकाणी गारपीट झालेली आहे, करंबाड आहे, पाडे आहे, त्याचप्रमाणे इटगाव या भागामध्ये भेटी दिल्या। माझ्यासमोर एक आमचे तालुका पक्ष अधिकारी तसेच पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी आणि सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्य आणि तसेच आमचे सन्माननीय आमदार महोदयसुद्धा या भेटीमध्ये होते। आम्ही सर्व गावांचा तपासणी करत आहोत, सर्वेक्षणाचे आदेश या ठिकाणी आम्ही आजच निर्गमित केलेले आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला शासन नियमानुसार जी देय रक्कम असेल ती आम्ही देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। BCN न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।